Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Divya. और आज की मेरी इस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये न्यूट्रोजीना का माइल्ड फेशियल क्लींजर। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। सब कुछ डिटेल में हम देखेंगे, पैकेजिंग, प्राइसिंग, कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है और ये आपकी स्किन के लिए कैसा है, किस स्किन टाइप वालों के लिए ये प्रोडक्ट है, सब कुछ मैं डिटेल में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्टे ट्यून्ड विद मी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये है लिक्विड न्यूट्रोजीना प्योर माइल्ड फेशियल क्लींजर। एज यू कैन सी ये काफी ज्यादा खाली हो चुका बिकॉज मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो ये इतना खाली भी हो चुका है। और अब हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग से। तो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग आपको कुछ इस तरह की मिलती है। इट कम्स विद अ पंप विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब भी आप हर एक पंप आप यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर क्लीन होता है, आपको उसमें कोई भी डर्ट पॉल्यूशन नहीं आता है क्योंकि आपका हर पंप एक क्लीन आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस लगता है। तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये आपको कुछ इस तरह की मिल जाता है। और यहाँ पर जिसका जिसका कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, अगर मैं बात करूँ इसकी क्वांटिटी की तो यहाँ पर आपको मिला था 150 ml की क्वांटिटी। आप इसका छोटा पैक भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें एक छोटा पैक भी आता है, तो आप उस छोटा पैक भी ले सकते हैं ट्राई करने के लिए। और ये है फॉर ऑल स्किन टाइप वालों के लिए। अगर आप ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए देख रहे हैं तो आई थिंक आपको ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी वहाँ पर मिल जाएगा, इनकेस शायद आपको मिल जाएगा अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर। तो ये फॉर ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, बट ये इन्होंने ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है ये फॉर ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, बट मैंने इसको यूज़ किया है तो लाइक मेरी स्किन जो है वो ऑलमोस्ट ऑयली है, लाइक मेरा जो टी जोन है कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, बट ये स्किन को काफ़ी हल्का सा ड्राई आउट कर देता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, लाइक सुपर ड्राई है, तो आप इसके साथ ना जाएँ क्योंकि ये आपकी स्किन को लिटिल बिट ड्राई आउट करता है। तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी सुपर ड्राई है तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है कॉम्बिनेशन, तो गो विद दिस प्रोडक्ट। अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो डोंट ट्राई दिस प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसा इसके ऊपर इन्होंने मैंशन किया हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप वालों के लिए, बट ऐसा नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो इसकी प्राइसिंग है 299, यानी कि आपको 300 rupees में आपको 150 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। और यहाँ पर इसकी 3 ईयर की सेल्फ लाइफ भी है, 18 में मैन्युफैक्चर हुआ है और ये 21 में एक्सपायर करेगा, तो आपको यहाँ पर 3 ईयर की सेल्फ लाइफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। ओके, अब हम एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, इसमें कोई भी इन्होंने हार्मफुल इन्ग्रीडियंट्स नहीं डाले जो कि आपकी स्किन को हार्म करते हो, लाइक पैराबेन, सल्फेट, मिनरल ऑयल, एल्कोहल, ऐसा कुछ इन्होंने इसमें नहीं डाला हुआ है, ऐसा इन्होंने कुछ इसमें लिखा नहीं है। बट अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मैं यहाँ पर एक पिक भी दे दूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों को एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ऐसा ये एक प्योर माइल्ड फेशियल क्लींजर है। माइल्ड फेशियल क्लींजर इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होगा, ऐसा नहीं कि आपकी स्किन को एकदम हार्म कर देगा, आपकी स्किन रेड हो जाएगी, हार्श हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही माइल्ड क्लींजर है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो ये भी आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क करेगा। आपकी स्किन पे कोई रैशेज वगैरह, कोई आपकी स्किन खराब नहीं होने वाली, इससे कि आपको काफ़ी जलन सा और सेंसिटिवपन सा आपको फील हो, ऐसा नहीं। ये बहुत ही माइल्ड क्लींजर है एंड या इट्स ट्रू, ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ही लाइट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी कर देता है क्योंकि ये एक फेशियल क्लींजर है। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, आपकी जितनी भी डर्ट वगैरह होता है सबको बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। लिटिल बिट ये आपकी स्किन को ड्राई आउट करता है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन ऑयली है तो इट्स गुड फॉर यू, बट अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो आप इसके साथ में ना जाए। लिटिल बिट सेट आपकी स्किन को ड्राई आउट भी करता है, तो बाकी ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है और ये आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा माइल्ड है। ये एक फेस वॉश है, तो इसको कैसे यूज़ करना है ये आप लोगों को पता ही है। आप इसको ट्वाइस अ डे, वंस अ डे इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं। वैसे आपको फेस वॉश आपको 2 times यूज़ करना चाहिए, जब अपना स्किन केयर रूटीन करते हैं तो आपको उसमें फेस वॉश भी शामिल होना चाहिए। तो आप इसको 2 times a day भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गई इसके बारे में बात। अब मैं आप लोगों को इसका एक बार टेस्टर भी दिखा देती हूँ ये कैसे वर्क करता है। सो या ओके, तो आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। ओके,
इसमें काफी ज्यादा लेदर भी होता है, या क्योंकि ये फेस वॉश है, क्लींजर है, तो ये आपके जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये लेदर भी करेगा। जो कंसिस्टेंसी कलर वगैरह आप इसका देख सकते हैं, ये लेदर करता है। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रेग्रेंस की, तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज लिटिल बिट सी हार्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। तो जब आप इसको जब अपना फेस वॉश करेंगे, तो फेस वॉश करने के बाद भी इसकी फ्रेग्रेंस रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती उतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। अगर लाइट होती, माइल्ड होती, तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अगर यू नो कैसे ऐसा एक चढ़ सी जाती है फ्रेग्रेंस, तो कुछ ऐसा फील होता है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती ये फ्रेग्रेंस, थोड़ी देर में ये उड़ जाती है, बट यू नो जितनी देर भी रहती है 10 से 15 मिनट तो आराम से रहती है ये, उतनी देर ही मुझे अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि हेडेक सा होने लग रहा है, तो मुझे उतनी देर इसकी फ्रेग्रेंस नहीं अच्छी लगती, बिकॉज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए। तो अगर आपको भी फ्रेग्रेंस कुछ ऐसा चढ़ने से होती है, हेडेक होने लगता है, तो ये शायद आपके लिए उतना अच्छे से सूटेबल ना हो। दैट्स वाई मैंने इसको इतना यूज़ किया, देन आफ्टर मैंने इसको स्टॉप कर दिया, बिकॉज मुझे इसकी फ्रेग्रेंस नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि आफ्टर 10-15 मिनट तक ये उतनी फ्रेग्रेंस रहती है, आफ्टर 15 मिनट बाद ये थोड़ी थोड़ी लाइट होने लगती है, तो थोड़ा सही होने लगता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो शायद आपके लिए सूटेबल ना हो। सो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल रहा हो, और आई थिंक मैंने इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है, ये कैसा है, कैसा वर्क करता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इससे क्या होगा, अगर आप बेल आइकन को हिट करते हैं, तो जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी, और आप मेरे इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।